में हो रहा मतदान, 96 विधानसभा उपचुनाव, अब तक 10.14% हुआ है मतदान। स्वार उपचुनाव में अब तक 7.93% वोटिंग। 94 उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी कीर्ति गोल ने किया मतदान। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वार और 94 सीट पर कड़ी सुरक्षा में मतदान किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 96 विधानसभा उपचुनाव में अब तक 10.14% मतदान हुआ है। तो स्वार उपचुनाव में अब तक 7.93% वोटिंग हुई है और लगातार मतदान जारी है। और 96 उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी कीर्ति गोल ने मतदान किया है। स्वार सीट से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मिर्जापुर से सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो 96 विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। अभिषेक, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ इस वक्त वहां की तस्वीर है, कितने प्रतिशत मतदान में अभी इजाफा हो पाया है और क्या रुझान है लोगों का? आज देखिए, मैं बता दूं, बहुत बेहद कम उत्साह है लोगों में। 7% 9 बजे तक मतदान हो पाया है, अगली फिगर 11 बजे आएगी। कुल मिलाकर ये 10% तक पहुंचेगा। आप देखें, मतदान केंद्र खाली है। जिस मतदान केंद्र पर मैं हूं, यहां पूरे स्वार विधानसभा पे सबसे ज्यादा मतदान यही हुआ। और यहाँ की स्थिति आप ये देख लीजिए कि पूरे मतदान बूथ अब खाली हो चुके हैं। एक तो गर्मी आज ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सुबह 9:30 बजे तक यहाँ मतदाता दिखे हैं। अब कोई इक्का दुक्का मतदाता आ जाए, कहीं भी टांडा में जाए, वहां पे भी भीड़ नहीं है। माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता बहुत उत्साह से मतदान करते हैं, लेकिन उनमें भी वो उत्साह नहीं है, क्योंकि 6 साल में चौथी बार यहाँ उपचुनाव हो रहा है। 2 तो मेन चुनाव हुए और 2 अब्दुल्ला आजम की सदस्यता 2 बार निरस्त हो चुकी है, तो 4 बार कुल विधानसभा का चुनाव देख लिया है। इस बार तो उत्साह बिल्कुल स्वार में नहीं है। कहीं से कोई किसी की शिकायत की खबर नहीं है, कहीं कोई हंगामे की खबर नहीं है। वजह यह है कि पब्लिक निकल के नहीं आ रही है मतदान करने। ये माना जाता है कि सर्वाधिक कम प्रतिशत रहने वाला है स्वार का इस बार। जिस तरीके से सुबह से 7 बजे से लेकर अब 10:30 बजे का वक्त है, 10:40 का, जिस तरीके के नजारे यहाँ पर हैं, उस मुकाबले देखिए पोलिंग बूथ के अंदर भी सब मतदान कर्मी शांत बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। काम होता है तो बोरियत नहीं होती, लेकिन जब काम नहीं होता है तो समय काटना भी मुश्किल हो जाता है। शाम तक का ये समय है, मतदान कर्मी भी अपनी वोटर लिस्ट को भी पढ़ रहे हैं, सब चेक कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट भी इस केंद्र पर पड़े हैं, 270 के आसपास, और बाकी वो वोटिंग कहीं नहीं हो रही है। बहुत धीमा मतदान स्वार में इस समय चल रहा है। बिल्कुल, आप लगातार ये तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहिएगा। अभिषेक, वापस आपके पास आएंगे, सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे, क्या कुछ इस दौरान वहां की तस्वीर है, कितने प्रतिशत इजाफा हुआ मतदान में अब तक? देखिए, मतदान की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 10.94% मतदान हुआ है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिर्जापुर की जो जिलाधिकारी हैं वो भी जुड़ रही हैं। मैडम, इस समय जो मतदान चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, अभी तक क्या आंकड़े सामने आए हैं? देखिए, हमारे 7 बजे से जो 96 क्षेत्र है उसमें उपचुनाव शुरू हो चुका है, लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हम लोग, मैं और कप्तान साहब, हमारे सभी मैजिस्ट्रेट्स लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है। 2 घंटे में 9 बजे तक लगभग 10.5% वोटिंग हो चुकी थी, अभी के आंकड़े अभी सामने आएंगे। कोई घटना और कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं आ रही है, लगातार शांतिपूर्ण मतदान जो है चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने कुछ शिकायत की है पीठासीन अधिकारी को लेकर, क्योंकि उनके जो एजेंट है उनको बूथ में नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, एक दो शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहां पे बूथ में एजेंट नहीं है, मगर फोटो सहित वहां जवाब दे दिया गया है। सब जगह एजेंट मौजूद हैं, जहां पर भी एजेंट अपने प्राधिकार पत्र को लेकर के पहुंचे हैं वो एजेंट बने हैं। मेरे और कप्तान साहब द्वारा स्वयं, खासतौर पर अगर कहीं शिकायत आ रही तो स्वयं जाकर भी देखा जा रहा है। कहीं पर भी, यहां पर भी एजेंट्स मौजूद हैं, सभी जो एजेंट बना है वो वहीं पे सब लोग मौजूद हैं और चुनाव पे लगातार अपनी नजर बनाए रखें। अति संवेदनशील बूथ की बात की जाए या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहा है, कितने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बूथ है और वहां पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से अलर्ट किया गया है? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे 3 बूथ शामिल हैं, उस पे हमारा एक सेक्शन सीआरपी और पैरामिलिट्री के फोर्सेज लगे हुए हैं। साथ ही में हमारे सभी सेंटर्स के ऊपर जो है सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। हमारी क्षेत्रीय पुलिस भी कस्बों में तैनात है। पूरी तरह से हमारे सुरक्षा प्रबंध जो है पुख्ता है। हम लोग स्वयं, मैं पूरे दिन आज यहाँ पे क्षेत्र में ही रहूंगी, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाएगी और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हम लोग आज यहाँ पे कराएंगे। अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ठीक ही रहने वाला है, क्योंकि 10% आंकड़े हैं 9 बजे तक। देखिए, 9 बजे तक 10.5% वोटिंग हो चुकी है, जो कि एक अच्छा सामान्य नंबर है, तो अच्छा वोट रहेगा। मेरी सभी हमारे वोटरों से अपील है यहाँ पर कि आज जरूर आएं, अपना मतदान अवश्य करें। ये आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका अधिकार भी है, और जिस भी कैंडिडेट को आप करना चाहें आएं और उसको आकर के विजयी बनाएं।
हमारे साथ एसपी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर, खासतौर पर उन इलाकों पर जहाँ पर अति संवेदनशील है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है? जनपद मिर्जापुर में आज जो बाय इलेक्शन चल रहा है वो अभी तक सकुशल ढंग से संपन्न हो रहा है और हमारी ये पूरी तैयारी है। इसमें हर जितने भी सेंटर्स हैं सब पे पैरामिलिट्री की आधी सेक्शन फोर्स लगाई गई है। 3 ऐसे सेंटर है जो कि लिखापढ़ी में नक्सल क्षेत्र में आते हैं, वहां पे 1 सेक्शन CPMF की लगाई गई है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से हमारा जितना काफी एरिया पड़ता है वहां पे बैरियर चेक पोस्ट इत्यादि भी लगाए गए हैं और साथ ही साथ जितने भी जिले के जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं और जितनी भी फोर्स है जो मानक इलेक्शन कमीशन का उसके अकॉर्डिंग तो लगाए गए हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कस्टम मोबाइल भी बना के लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील है। कुल मिला के जो हम लोग एकदम कटिबद्ध है कि आज का चुनाव सकुशल ढंग से निष्पक्ष रूप से संपन्न कराएंगे। सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क की भी इश्यू है, तो वहां पर किस तरीके से खास निगाह रखे हुए आप? कम्युनिकेशन प्लान हमारा बना हुआ है, मोबाइल के अलावा हमारे हैंडसेट्स हैं चाहे स्टैटिक सेट्स है वो लगाए गए हैं और लगातार सेट के माध्यम से भी हम लोग टच में हैं और पूरे जनपद में सकुशल चुनाव जो विधानसभा है उसका कर रहा है और हम लोग कटिबद्ध हैं और भरोसा दिलाते हैं कि पूरा चुनाव सकुशल ढंग से संपन्न कराएंगे। चुनाव है, कल निकाय के चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसे में बैक टू बैक 2 दिन चुनाव है, उसके बाद स्ट्रांग रूम में भी रखा जाएगा ईवीएम, उन सब चीजों को आप लोग देख रेख कर लीजिए। हाँ, इसका पूरा होमवर्क किया गया है। आज जो चुनाव चल रहा है साथ ही साथ जो नगर निकाय के चुनाव है उसकी पोलिंग पार्टीज भी रवाना हो रही है चुनार तहसील में, फिर साथ ही साथ सदर तहसील के एरिया है वहां से, और उसको हम लोग सकुशल ढंग से संपन्न करा रहे हैं। आज का भी चुनाव और कल का भी चुनाव हम लोग बिल्कुल 100% श्योर है कि सही ढंग से उसको संपन्न कराया जाएगा। तो ये थे मिर्जापुर के एसपी हमारे साथ जो बता रहे थे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स भी है, पुलिस के जवान भी तैनात है, तो हर एक जगह पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 3 ऐसे बूथ है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, तो उन पर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तेजी से बढ़ाई गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क की इश्यू है, तो वहां पर भी नेटवर्क कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए उसके लिए भी खास ध्यान रखा गया है। बिल्कुल सुशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ स्वार सीट से बने हुए हैं, सुशांत हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं मिर्जापुर से और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एजेंट को डीएम ने यहां पर फटकारा, जिसकी तस्वीर में हमने आपको दिखाई, बूथ पर बार बार अंदर बाहर जाने को लेकर उसकी फटकार लगाई गई है। सुशांत, अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी अभिषेक ने बताया कि बहुत ज्यादा रुझान लोगों में देखने को नहीं मिल रहा है, उत्साह नहीं है जैसा कि वाकई में विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे अगर वजह की बात की जाए, फिलहाल जो 96 सीट की बात की जाए, यहाँ पर अगर 9 बजे तक 10.96% मतदान होता है तो इसे बहुत कम नहीं आका जाना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 9 बजे है और 9 बजे का 10% मतदान होता है तो ये बहुत कम नहीं है, ये लगभग ठीक ही आंकड़ा जा रहा है। पर जो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है, आपको ये बता दें कि जो बूथ है वो काफी दूर दूर बने हुए है, गाँव का इलाका है, ये 96 विधानसभा है, अधिकतर ग्रामीण इलाकों में है, पहाड़ी इलाकों में है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो शहरी इलाकों में हम एक्सेप्ट करते थे कि बहुत लंबी लंबी कतार लगी रहेगी, उस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को अमूमन मिलती नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा कुछ ऐसा है कि अधिकतर पहाड़ों के बीच में है, ग्रामीण इलाके में है, ग्रामीण अंचल में है, तो लोग लगातार आ रहे हैं वोट देने के लिए, लगातार पहुंच रहे हैं, और 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वोटिंग परसेंट का, इसे बहुत कम आका नहीं जा सकता। फिलहाल अभी तक जो आंकड़ा है वो फिलहाल ठीक बताता है, अगर इस तरीके की परसेंटेज आगे बढ़ते रहे तो माना जा सकता है अच्छी वोटिंग है, हेल्दी वोटिंग यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, तो अगर आंकड़ा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मतदान का जो रिजल्ट होगा उसको भी प्रभावित करेगा। 96 और स्वार सीट पर मतदान जारी है, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और किस तरीके से स्वार सीट की अगर हम बात करें